नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोहित बत्रा डर्मोवेल स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने चेहरे का जो कालापन है, जो सांवलापन है, जो काला हो गया है, उसके बारे में उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। भारतवर्ष के अंदर गोरेपन से बहुत अच्छा लगाव है लोगों का, सब चाहते हैं कि वो गोरे हों। ऐसा नहीं है, जो भगवान ने आपको स्किन टोन दिया है आप उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, बट हाँ आप उसको काला होने भी ना दें। सब लोग ये चाहते हैं कि वो क्रीम लगाकर गोरे होना चाहते हैं, बट कोई भी अपने आप को भगवान की देन जो है, जो उसने आपको कॉम्प्लेक्शन दिया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। अगर आपका रंग बचपन में, अक्सर माताएं कहती हैं कि जी बच्चा पैदा हुआ था बहुत गोरा था, इसके हाथ देखें, चेहरा देखें कितना काला हो गया है, बाकी सारा शरीर तो गोरा है, तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इतने सालों तक आपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा। लोग धूप में जाते हैं, लोग बाहर घूमते हैं, बच्चे खेलते हैं, माताएं बहनें पुरुष लोग जाते हैं ऑफिस, बट कोई अपना आपको ध्यान नहीं रखता, कोई सनस्क्रीन का प्रयोग नहीं करता, कोई कैप नहीं लगाता, कोई छतरी, स्कार्फ या दुपट्टे का उपयोग माताएं बहनें नहीं करती, और धीरे धीरे इतने सालों के अंदर आपका जो सांवलापन है वो बढ़ता जाता है, गोरा बंदा भी काला हो जाता है, सांवला और काला हो जाता है, और आपका जो कॉम्प्लेक्शन, जो नॉर्मल गॉड गिफ्टेड कॉम्प्लेक्शन है, वो टैन हो जाता है, डार्क हो जाता है। अब क्या करें? अगर टैन हो गया है तो क्या करें? क्रीम लगाएं और असर पाएं? ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपका चेहरा है, आपकी स्किन है, उसको प्रोटेक्ट करें। धूप से प्रोटेक्शन ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं कि जी सनस्क्रीन तो धूप में जानी है तभी लगानी है, घर बैठे हुए तो कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा बहुत घर का कामकाज करने वाली माताएं बहनें कहती हैं कि स्कूल से बच्चे को लेने ही जाती हैं तो इस दौरान सनस्क्रीन क्यों लगानी। लोग कहते हैं कि हमारे दुकान, हमारा ऑफिस पास में ही है, हमें सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत। बट अगर आप 5-5 मिनट भी रोज़ धूप में जाते रहेंगे तो आपका जो सन एक्सपोजर टाइम है वो बढ़ता जाएगा और महीनों में, सालों में आपकी स्किन डार्क होती जाएगी। अक्सर फेस और हैंड्स का जो जो आपका हाथ है उनकी जो बाहर की त्वचा है वही ज़्यादा टैन होती है, वही ज़्यादा डार्क होती है। तो आप सब क्या करें कि वो टैन ना हो? सबसे पहले हर रोज़ फेस वॉश करना चाहिए। फेस वॉश ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्किन टाइप का हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऐसा फेस वॉश जो आपको और ड्राई या स्किन को और सेंसिटिव ना कर दे, और ऑयली स्किन है तो वो जो ऑयल जो आपकी स्किन के ऊपर आ रहा है उसको ठीक करे। अब आपने एक बार फेस वॉश कर लिया है और आप बाहर जाना चाहते हैं और कोई चीज़ें नहीं लगाना चाहते तो एक सनस्क्रीन का उपयोग करें। सनस्क्रीन भी आपकी स्किन टाइप पर डिपेंड करेगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन की वो पिंपल्स ना करे, और ड्राई स्किन है तो क्रीम या लोशन बेस्ड सनस्क्रीन जो कि आपको हाइड्रेशन भी दे, मॉइस्चराइजेशन भी दे और सन प्रोटेक्शन भी दे। अक्सर ये देखा गया है कि लोग जितनी महंगी सनस्क्रीन उतना कम प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। एक टीस्पून जो चाय की प्याली का चमचा होता है उतनी सनस्क्रीन आपके चेहरे के लिए बहुत होती है, तो उतनी सनस्क्रीन लगानी चाहिए धूप में जाने से आधा घंटा पहले, और धूप में घूम रहे हैं तो हर 1.5 घंटे में उसको रिपीट भी करना चाहिए। अंधेरे में भी बैठे रहें तो दिन में 3 से 4 बार सनस्क्रीन लगाएं। और अगर आपने सनस्क्रीन लगाई भी है तब भी छतरी, स्कार्फ, दुपट्टा, और अगर भाई लोग हैं हमारे वो कैप पहने, रुमाल बांधे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता नहीं आप बाहर निकले हैं कब तक वापस आएंगे, तो सनस्क्रीन असर कर रही है या नहीं कर रही। साथ ही अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि कहीं ये ऐसी दवाइयाँ तो नहीं है जो कि आपका स्किन और डार्क कर सकती हैं। तो अगर कई लोग दवाइयाँ लेते हैं और कहते हैं जी हम तो टैन होते जा रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखें कि सन प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इंसुलिन और डायबिटिक जो लोग होते हैं, इंसुलिन जिनके अंदर ज़्यादा मात्रा में सीरम इंसुलिन लेवल आ रहे होते हैं, उनको अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस हो जाता है जो कि अक्सर देखा गया है कि चेहरे के इन भागों के ऊपर, गर्दन के ऊपर कालापन आना शुरू हो जाता है, यहाँ नकल्स के ऊपर कालापन आना शुरू हो जाता है, तो वो भी है। माताएं और बहनों को पिगमेंटेशन जब वो प्रेगनेंसी के दौरान आती है, जिसको छाइयाँ या मेलाज्मा कहते हैं,
वो भी आ सकती है, वहाँ भी आपके जो उनके हार्मोन्स हैं और धूप, इन दोनों का कारण है कि वो पिगमेंटेशन आ रही है, तो धूप से बचाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखें तो ये देखते हैं कि धूप तो एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप उसको बचाएंगे तो लॉन्ग रन में आपको गोरा रहने में मदद करेगी ही करेगी, साथ ही आपका डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर बताएगा कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो बॉडी में नहीं चल रही है। इसी के साथ अगर कई लोगों का ये मानना होता है कि जी दूध उबटन कुछ हल्दी रगड़ते रहें कि हम गोरे रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैक्युलर अमाइलोडोसिस या फ्रिक्शनल मेलानोसिस जो चीज़ हम कहते हैं, उससे भी चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन आ सकती है, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप हेयर कलर यूज़ करते हैं या करती हैं तो हेयर कलर से भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको लाइकन प्लानो पिगमेंटोसिस या LPP कहा जाता है, या टॉक्सिक मेलानोसिस कहा जाता है, जिससे कि पिगमेंटेशन बढ़ सकती है। तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा हाँ जी ये कारण है जिससे पिगमेंटेशन बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें अक्सर देखा गया है कि लोग परफ्यूम्स बहुत स्प्रे करते हैं तो गर्दन के आसपास या इस बॉडी के ऊपर भी उनका रिएक्शन होना शुरू हो जाए, या माताएं और बहनें जब कॉस्मेटिक्स का बहुत प्रयोग करती हैं तो, या ब्लीच बहुत यूज़ करती हैं तो उससे भी कालापन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं और डार्क शेड की तरफ लेकर जा रही हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जो चीज़ दूसरे को हेल्प कर रही है वो आपको हेल्प करेगी, नहीं, सन अवॉइडेंस मस्ट है। ये सारी चीज़ों में से अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी ध्यान देखना है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पहले वो कॉज को हटाएं और आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि किस तरीके की मेडिसिंस कुछ लगाने की, कुछ खाने की, या कई प्रोसीजर्स आजकल तो हमारे पास पील्स हैं, लेज़र्स हैं, मेडिफेशियल्स हैं, जिससे कि हम आपका चेहरा बहुत हद तक साफ कर सकते हैं। तो यदि आप पिगमेंटेशन से जूझ रही हैं तो सनस्क्रीन तो लगाना ज़रूर शुरू करें, अपने आप को बचाना शुरू करें, और जब लंबे समय तक बचाना शुरू करेंगी 2-3 महीने, तब उसका असर दिखना शुरू होगा, और तब भी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि आपका क्या कॉज है, वो एकैंथोसिस नाइग्रेकेंस है, वो टॉक्सिक मेलानोसिस है, वो मेलाज्मा है, वो किसी चीज़ की एलर्जी है, या नॉर्मल टैनिंग है, किस तरीके की प्रॉब्लम है उस पर वो आपको बताएगा और ट्रीट करेगा, और आपको आपका भगवान का दिया हुआ जो कॉम्प्लेक्शन है उस तक पहुंचने में मदद करेगा। आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम समय समय पर आपसे ऐसे ही अच्छी जानकारी शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।